नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोग अभी हाल में ही सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि सीबीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा भी दिए गए जो है अपने वक्तव्य और निर्देशों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अवधारणात्मक समसामयिकी के बारे में जो है जानकारी करने का प्रयास करेंगे। और ये टॉपिक है जो है कूलिंग ऑफ पीरियड। कूलिंग ऑफ पीरियड को अगर देखा जाए हिंदी में, इसे आराम की अवधि भी कहा जा सकता है। आराम की अवधि, कूलिंग ऑफ पीरियड, आराम की अवधि। अब ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अगर इस तरीके का निर्देश दे रहा है तो निश्चित तौर पर हम इस बात को समझ सकते हैं कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन किस लिए और किस कार्य के लिए जो है बनाया गया है, उसके रिकमेंडेशन, उसकी संस्तुतियां, अनुशंसाएं किस कार्य से संबंधित हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम सीबीसी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सीबीसी की स्थापना जो है के संथानम समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1964 ईस्वी में की गई थी और 2003 ईस्वी में जो है 2003 ईस्वी में संसद के द्वारा पारित एक अधिनियम के माध्यम से इसे सांविधिक दर्जा प्रदान कर दिया गया है। तो इस तरीके से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भ्रष्टाचार के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के स्तरों पर जो भी व्यवस्थाएं हैं उसका जो अध्ययन करता है, उस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और सरकार के लिए इसकी अनुशंसाएं जो है कानून बनाने का आधार के रूप में काम करती हैं। तो इस तरीके से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन समय समय पर अपनी रिपोर्ट और रिकमेंडेशन सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है। और इसी पृष्ठभूमि में उसने अभी हाल फिलहाल में जो है कूलिंग ऑफ पीरियड यानी कि आराम की अवधि के संदर्भ में एक जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अब ये कूलिंग ऑफ पीरियड क्या होता है और ये किससे संबंधित होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। बेसिकली हाल फिलहाल में कई सर्विसेज के संदर्भ में ये बातें सामने आई हैं कि वहाँ से रिटायर होने के बाद सरकारी कर्मचारियों को, बड़े बड़े नौकरशाहों को, या अगर हम हायर ज्यूडिशरी में देखें तो वहाँ पर न्यायाधीशों को सेवानिवृत्त होने के बाद विभिन्न पदों पर नियुक्ति दी जाती है। अब यह इस पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण हो जाता है कि यदि कोई भी पदाधिकारी किसी पद पर कार्य कर रहा है और उसे उस सेवानिवृत्ति के बाद पुनः किसी अन्य पद पर नियुक्ति दी जाने की अगर परंपरा और कल्चर और संस्कृति का विकास होता है तो इस पृष्ठभूमि में ये बात और निष्कर्ष को निकालना आसान हो सकता है कि वह अपने पूर्व की सर्विस के अंतिम दिनों में हो सकता है ऐसा कोई कार्य करे जो जनहित में ना हो, जो न्यायप्रिय ना हो, बल्कि वह नियोक्ता के अनुसार हो, क्योंकि उसे रिटायर होने के बाद, सेवानिवृत्त होने के बाद पुनः एक अच्छे पद प्राप्त करने का जो है प्रयास करना हो, वो प्रयास में जो है ऐसा कर सकता है। तो इन्हीं सब बातों की पृष्ठभूमि में जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने कूलिंग ऑफ पीरियड की बात कही है और सरकार के लिए जो है इस तरीके की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि वो विभिन्न प्रकार के विभागों को इस तरीके के निर्देश और गाइडलाइन जारी करे कि विभाग जो है कूलिंग ऑफ पीरियड के बारे में एक जो है व्यवस्था, एक मैकेनिज्म बनाए ताकि एक डिपार्टमेंट के बाद किसी भी अधिकारी की नियुक्ति पुनः दूसरे पद पर जो है एक निश्चित समय अंतराल, जिसको कि यहाँ पे कूलिंग ऑफ पीरियड कहा गया है, के बाद ही किया जा सके। और जब एक सर्विस के जो है, मान लीजिए किसी की जो है 31 मार्च को रिटायर हो रहा है और उसके बाद अगली डेट जो है 1 अप्रैल हो जाती है, 31 अप्रैल को यहाँ पे 31 मार्च को रिटायर होता है और 1 अप्रैल को अगर उसकी नियुक्ति कर दी जाती है तो यहाँ उसके बीच में कोई भी गैप नहीं होता है और 31 मार्च को उसके द्वारा लिया गया निर्णय या दिया गया न्याय अपने किसी अन्य पद को प्राप्त करने के आधार पर प्रभावित हो सकता है, जनहित के विरुद्ध हो सकता है। तो इन्हीं सब बातों को रोकने के लिए और एक स्वस्थ प्रशासनिक और न्यायिक कल्चर को जो है विकसित करने के उद्देश्य से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने भी हाल फिलहाल में कूलिंग ऑफ पीरियड पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया है और सरकार से एक अपेक्षा किया हुआ है कि वह अपने अधिक काम करने वाले विभागों और उनके विभागाध्यक्षों के लिए ये गाइडलाइन जारी करे जिससे कि कूलिंग ऑफ पीरियड के बारे में एक वो स्पष्ट व्यवस्था बना सके। और उसमें यह भी बातें कही गई हैं कि ये कोई भी सरकारी कर्मचारी रिटायर होने के बाद कहीं पर भी जो है नियुक्ति के लिए आवेदन करता है तो उसे अपने पूर्व विभाग से जो है
वो एनओसी की जो है प्रक्रिया पूरी करनी पड़े और उसको देखने के लिए जो है वो कूलिंग ऑफ पीरियड के बारे में जो भी व्यवस्थाएं हैं उसके आधार पे उसे एनओसी प्रदान करें। तो कहने का इन सभी बातों के संदर्भ में ये है कि किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार या परिलक्षित होने वाले भ्रष्टाचार को जो है रोकने के लिए और प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति में एक स्वस्थ विचारधारा का विकास करने के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने भी हाल फिलहाल में कूलिंग ऑफ पीरियड की बात कही है। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको निश्चित तौर पर समझ में आया होगा और ये इसलिए भी बताया जा रहा है ताकि आप साक्षात्कार के दौरान या निबंध के दौरान या मेंस का जो सेकंड और थर्ड पेपर में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके की बातें वहां पे भी हैं। इसको सिलेबस में भी बाकायदा रखा गया है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, लोकायुक्त, लोकपाल है, तो उन्हीं से जो है संबंधित इस प्रकार की जो भी बातें जुड़ी हुई हैं। तो कूलिंग ऑफ पीरियड भी जो कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा अभी हाल फिलहाल में रिकमेंड की गई है और अपना स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, कहीं ना कहीं जो है इस तरीके की बातें जो है उससे संबंधित हैं। और इन सभी बातों का अगर उल्लेख आप अपने जो है मुख्य परीक्षा या किसी स्तर पर करते हैं तो निश्चित तौर पर इससे अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है और इस बात की तरफ जो है एग्जामिनर का पहुंचना आसान होता है कि कैंडिडेट जो है स्पष्ट जानकारी रखता है। तो आप इन सभी बातों को जो है ध्यान में रखने का प्रयास कीजिए। इन सभी बातों को इसलिए भी शामिल करने का प्रयास किया जाता है कि आप अपने आसपास या जो है न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में या मैगजीन में अगर कुछ देखते हैं तो उसे आप अपना जो है कंठस्थ करने का प्रयास कीजिए, उसे अपना एक स्पष्ट दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास कीजिए ताकि एग्जाम में आप उसे शामिल करके, क्योंकि जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें नेशनल लेवल पर चल रही हैं चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो या कोई इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो या कोई न्यायिक क्षेत्र का मामला हो, तो इन सभी बातों का अगर आप उल्लेख करते हैं तो इससे आपका उत्तर जो है वो प्रभावी बनता है और अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना बनती है। तो आज के इस जो है संक्षिप्त वीडियो में जो है हम लोग कूलिंग ऑफ पीरियड के बारे में जो है देखा, इसके संदर्भ में हमने जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को भी थोड़ा सा समझने का प्रयास किया और इससे संबंधित जानकारी को आप अपने जो है अध्ययन सामग्री में शामिल कीजिए ताकि आने वाले समय में जो भी एग्जाम हो उसमें आप इन्हें शामिल करके अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लीजिए। तो आप इसको जो है देखते रहिए, पुनः अगले लेक्चर में हम इसी तरीके के और भी महत्वपूर्ण न्यूज़ को लेकर के आएंगे जो कि विश्लेषणात्मक और अवधारणात्मक होगा। तब तक आप अपनी जो है तैयारी अच्छी दिशा में जो है करते रहिए। नमस्कार।